एक और बड़ी खबर है, दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली की अलग अलग जगह पर बीजेपी का प्रदर्शन, पानी को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। बीजेपी के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। लगातार जो दिल्ली में पानी की किल्लत है वो बढ़ रही है, जल संकट गहरा रहा है। लेकिन इस बीच राजनीति भी उतनी ही ज्यादा तेज इस पूरे मामले में होती हुई नजर आ रही है। बीते दिन भी आपने देखा, कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन हुआ था, बीजेपी की तरफ से भी प्रदर्शन हुआ था, और अब आज भी बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन। दिल्ली की अलग अलग जगह पर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि दिल्ली में फिलहाल जो हालात बने हुए हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है, और अभी तक कोई समाधान इसका दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। एक तरफ मंत्री आतिशी हैं दिल्ली सरकार में मंत्री, उनकी तरफ से तमाम तरीके की बयानबाजी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, बीजेपी की अपनी इसमें दलीलें हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो सफर कर रही है वो है दिल्ली की जनता, आम लोग जो टैंकर आते ही खाली बर्तन लेकर टैंकरों की तरफ दौड़ते हैं। जल संकट लगातार गहराते जा रहा है क्योंकि दिल्ली में गर्मी का प्रकोप भी अभी बहुत ज्यादा है, तो दिल्ली वासियों को दोहरी मार इस वक्त पड़ रही है। एक तरफ तो ज्यादा गर्मी और दूसरी तरफ पानी की किल्लत, घंटों लाइन में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ता है, टैंकर आने का वेट करना पड़ता है। इसी बीच टैंकर माफिया जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो अपने आप में कई सारे चैलेंजेस जो कि इस वक्त दिल्ली की जनता को झेलने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में इस वक्त दिल्ली में जो सियासत है वो चरम पर हो रही है। सड़कों पर अब उतर कर आ चुके हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता। कल हमने देखा कांग्रेस की तरफ से भी कई जगह पर प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी वहां पर की गई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जहां पर मटका फोड़ प्रदर्शन भी हुआ है। कल बांसुरी स्वराज पहुंची थी और उनके नेतृत्व में वहां पर प्रदर्शन हो रहा था, तो हर एक जगह के सांसद वहां पर मौजूद, और ऐसे में जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में फटकार भी लगाई गई दिल्ली सरकार से। इसमें कई सारे सवाल भी पूछे गए कि अगर टैंकर माफिया जब एक्टिव है, आपको पता है, तो आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है, या फिर दिल्ली की जनता को पानी मिल सके इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, पानी के लिए हिमाचल प्रदेश दिल्ली के लिए पानी दे, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हिमाचल प्रदेश को। हालांकि जब मंत्री आतिशी ने बैठक की उसके बाद हिमाचल प्रदेश के सीएम से फोन पर बातचीत भी की, और हिमाचल प्रदेश के सीएम ने आश्वस्त भी किया कि जितना हमसे बन पड़ेगा हमारी तरफ से हम मदद करेंगे, पानी की बर्बादी बिल्कुल भी ना हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ कहा गया। लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं पाइप की, कल कई जगहों पर पाया गया कि पाइप से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, वहां से ठीक ठाक मात्रा में पानी लगातार बह रहा है और अब तक कई लीटर पानी वहां से बह चुका है। एक तरफ जहां पानी की बर्बादी ना करने की बात कही जा रही है, दिल्ली सरकार की तरफ से नजर रखी जा रही है कि किसी के घर में पानी की वेस्टेज ना हो, लेकिन खुद ऐसे कई जगह पर पाइप हैं, साउथ दिल्ली में कई जगह पर ऐसे पाइप हैं, इसके अलावा निजामुद्दीन स्टेशन की तरफ कई ऐसे पाइप हैं जहां पर पाइपों से पानी लगातार बह रहा है। दिल्ली के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा संकट है, रोहिणी, बेगमपुर, बसंत कुंज, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, ये वो इलाके हैं जहां पर जल संकट सबसे ज्यादा इस वक्त गहरा रहा है, यहां के लोगों को सबसे ज्यादा पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच जो सियासत है वो भी आप देख रहे हैं कि कैसे सिर पर मटका लेकर, हाथों में मटका लेकर पहुंचे हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, और यहां पर हाथों में तख्ती लेकर बैनर लेकर प्रदर्शन की तस्वीरें आम आदमी पार्टी को घेरते हुए विरोध प्रदर्शन यहां पर जमकर किया जा रहा है। पानी का संकट ऐसा नहीं कि एक दिन में आया हो, हर बार ये तस्वीरें सामने आती है, लेकिन इस बार जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा भयावह हो गई है, या यूं कह लें कि इस बार पानी की कमी सबसे ज्यादा हो गई है। लेकिन दिल्ली में पानी की परेशानी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा सिर्फ उसको है जो टैंकर आते ही घर के बर्तन लेकर, बाल्टी लेकर उन टैंकर्स के पीछे दौड़ते हैं। और ऐसे में ये पहली बार नहीं कि जब ऐसा हुआ हो, लेकिन हाँ ये भी है कि इस बार स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो गई है, बहुत लंबा समय हो गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ऐसे में जो वाटर लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है। दिल्ली के पास अपना कोई स्रोत नहीं है पानी का, ऐसे में आसपास के राज्यों पर दिल्ली निर्भर है। बात अगर करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से जो पानी पहुँचता था वहाँ पर बैराज में भी अब पानी कम होने लगा है। इस बीच सुरेश झा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुरेश, जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है दिल्ली में, लगातार जो पानी की किल्लत है वो बढ़ रही है, पानी का जो संकट है वो गहराते जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत चरम पर हो रही है।
जी बिल्कुल, जब ही जैसा कि दिल्ली का जो वाटर लेवल है लगातार नीचे नीचे जाता जा रहा है और खासकर हम देखें यमुना नदी की, यमुना नदी बिल्कुल सूख सी गई है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर पानी का क्राइसिस अभी आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। जैसा कि कहा जा रहा है कि दिल्ली में अभी गर्मी का प्रकोप यानी और ज्यादा बढ़ेगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली के अंदर पानी की त्राही त्राही मचने वाली है। खासकर जिन इलाकों में, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है, टैंकर भी नहीं पहुंच पाते, सोचे उस इलाकों को क्या होगा। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिशों का कोई भी असर जमीनी पर स्तर पर नजर नहीं आ रहा है। और लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको लेकर बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है और इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लेकिन धरने प्रदर्शन की वजह से खैर हो सकता है कि अपनी राजनीति चमका, लेकिन इस पर खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है जिन्हें पानी तक भी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। जी सुरेश, कल हमने वो तस्वीरें दिखाई थी जहां पर कई जगह हालात ऐसे थे कि पाइप से पानी का रिसाव लगातार हो रहा था, कई सौ लीटर पानी वहां पर बर्बाद हो रहा था। तो कल जब वो तस्वीर सामने आई मीडिया में, बहुत वो तस्वीर चली, तो क्या उस तस्वीर के सामने आने के बाद मरम्मती वहां की शुरू हुई या अभी भी वहां पर पानी का जो बर्बादी वो लगातार हो रहा है? जी बिल्कुल, दिल्ली में जो पानी की जो सबसे बड़ी बर्बादी होती है, पानी का रिसाव होता है, जगह जगह से पानी रिसाव होने की वजह से पानी काफी बर्बाद होता है। और जल बोर्ड की बात करें, उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता है, महीनों महीनों लग जाते हैं उसको ठीक होने में। और जैसा कि दिखाया गया मीडिया में, अभी भी कई ऐसी जगह है जहां पर पानी का रिसाव लगातार हो रहा है, लेकिन जल बोर्ड की खामी यहां नजर आती है कि वो रिसाव को समय बंद नहीं करती है, जिसका खामियाजा आज पूरी दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। जी नहीं, तो उन जगह पर जो पानी की बर्बादी हो रही थी, पाइप वहां पर फटे हुए थे, हमने तस्वीरें दिखाई थी, हमारे रिपोर्टर वहां पर पहुंचे थे केशव, उन्होंने दिखाया भी था वहां पर कि जो पाइप है वो फूटे हुए हैं, वहां से पानी लगातार बह रहा, तो उनकी मरम्मती हुई है या अभी भी वहां से पानी बह रहा है? जी देखिए, जो दिखाया गया था कि जल बोर्ड का या दिल्ली सरकार का कहना है कि वो जो मीडिया में आया है उसके आधार पर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और जहां से पानी का रिसाव होता है उसको रिसाव को ठीक किया जा रहा है। इसके साथ ही कहा कि जो पाइप पुराने हैं उनको ठीक किया जा रहा है, लेकिन देखिए थोड़ा सा समय लगता है, वक्त लगता है, लेकिन दिल्ली के अंदर इसमें 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है दिल्ली में और इससे पानी के लिए जो आप देखिए त्राहिताई मछली है, आज की तारीख में सबसे मुद्दा है पानी का। आप देखिए पानी के लिए लोग जो तरस रहे हैं, पानी मिल नहीं पा रहा लोग पीने के लिए, लोग पानी पीने के लिए तो खरीद पी रहे हैं और वो भी इतना महंगा पानी मिला, तो समझ सकती है दिल्ली के अंदर क्या हालत है। अब हालांकि दिल्ली सरकार का जो दिखाई गई थी कि पाइपलाइन टूटी हुई है वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उसको समय जल्द से जल्द ठीक करें। हालांकि जो दिल्ली जल बोर्ड का जो है 24 आवर्स इमरजेंसी भी काम करता है, लेकिन आप देखिए दिल्ली जल बोर्ड में कल जैसे मीडिया दिखा है कि पानी रिसाव हो रहा है, तो क्या जल बोर्ड को पता नहीं उस बारे में? सब पता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ढिलाई जो है नजर आती है जिसका खामियाजा दिल्ली वाले आज भुगत रहे हैं। जी अच्छा सुरेश, ये बताइए, जब हिमाचल प्रदेश के सीएम से बातचीत की आतिशी ने, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जितना हमसे बन पड़ेगा हमारी तरफ से सहयोग हम करेंगे, तो क्या हिमाचल प्रदेश के सहयोग के बाद दिल्ली का जो जल संकट है वो दूर हो सकता है या दूर हो पाएगा? देखिए दिल्ली के अंदर पानी खपत दिन से दिन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है पानी खपत भी बढ़ रही है। अब हिमाचल कितना पानी छोड़ता है, हरियाणा कितना पानी छोड़ता है, वो तो डिपेंड करता है उनके ऊपर। हालांकि हिमाचल सरकार ने इनको आश्वासन दिया था कि पानी छोड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद कितना पानी छोड़ते हैं उससे कितना फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जब तक दिल्ली के अंदर पानी के रख रखाव की जिम्मेदारी सही नहीं होगी, पानी का संचय ठीक तरीके से नहीं होगा, तब तक इस समस्या से निदान नहीं पाएगा। आपको याद होगा आतिशी ने कहा था कि पानी की चोरी हो रही है, तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो है जहां से चोरी होती है मुनक नहर, जहां से पानी हरियाणा से आता है, वहां पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया, उसके बावजूद कहा जा रहा है पानी चोरी हुई, टैंकर माफिया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार तो अपने तो टैंकर माफिया पर कार्रवाई कौन करेगा सुरेश? देखिए वही मैंने कहा कि दिल्ली सरकार को अपने गिरेबान में झांकना होगा, एक स्वस्थ प्रशासन देने के लिए दिल्ली सरकार को अपने काम करने होंगे। खासकर अभी पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर, क्योंकि उससे हर आम आदमी जूझ रहा है, क्योंकि पानी हर कोई खरीद के नहीं पी सकता। आप कई दिल्ली में ऐसी कॉलोनी में गरीबी रेखा के लोग नीचे है, हालांकि दिल्ली सरकार कहती है फ्री पानी देंगे, लेकिन वहां फ्री कितना पानी मिल पा रहा है? तो हर कोई पानी खरीद के नहीं पी सकता है, तो दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं अपनी योजना बनानी चाहिए और पानी किल्लत को दूर करने के उनको प्रयास करने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।